सर, आज सुबह का जो आपने इविक्शन ड्राइव जो किया था इंक्रोचमेंट के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा। इविक्शन जो है एक कोई नया चीज़ नहीं है आज का दिन में। इविक्शन जो है एक डे टू डे रूटीन वर्क है। सिर्फ यहाँ एक चीज़ का इशू रहता है, वो एक लीगल प्रोसेस होता है। आपको 100 कोस नोटिस देना होता है नेचुरल जस्टिस के लिए, फिर उसे हियरिंग करना होता है, ऑर्डर पास करता है, फिर उसको ये लोग हायर अथॉरिटी में अपील करता है, फिर अपील का बाद फिर लास्ट में जाके जब केस को जीतता है तब तो इविक्शन होता है। तो इसलिए थोड़ा से उसमें थोड़ा से पचीदा है लोग का ऊपर में। अदरवाइज इविक्शन इज ए नेचुरल, इट्स डे टू डे रूटीन, क्योंकि इसके लिए लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अलग अलग लॉ रहता है। हम CRPC के अंदर में भी कभी कभी 133 144 में भी बहुत से हम लोग का रिमूवल करता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, हिंड्रेंसेस होता है, उसका बात न्यूसेंस का अंदर में आता है वो। और एक है कि हमारा जो एक डिफाइन किया गया है रास्ता को, नाला को, जो पब्लिक रोड है, पब्लिक ड्रेन है, ये एक डिफाइंड एरिया है जहाँ आप उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं रख सकता है। तो दूसरा है कि पब्लिक प्रोमिसेस एक के अंदर में भी हम जो इविक्शन ड्राइव करते हैं, ये कानून इन प्लेस है, तो कोई एक नया चीज़ नहीं है और डे टू डे रूटीन वर्क है। तो आज का भी जो सी सेक्टर डेली मार्केट, गांधी मार्केट का नाम से जाना जाता है, वहाँ में भी काफ़ी इविक्शन पहले भी हुआ है। अभी भी जो स्ट्रक्चर्स है वो जो लास्ट इविक्शन जो होता है उसमें उन लोगों ने अपना से हटाएगा बोल के बात था, नोटिस दिया गया था, तो अभी उसको फिर से नोटिस दिया गया है जाके आज इविक्शन सुबह से शुरू किया था, लेकिन हमारा JCB खराब हो गया, अभी दूसरा JCB को लेके आ रहा है मुंडी में, वो अभी शाम तक कोशिश करेगा कि वो क्लियर होने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा पार्किंग का इशू है, तो वो पार्किंग इशू को एड्रेस करने के लिए अभी काम कर रहा है। अभी हम लोग कोशिश यही है कि अभी जैसे गंगा मार्केट में जहाँ आप क्लॉक टावर का आसपास है और पुराना स्मोक काउंटर है, आस्ते आस्ते करके सबको हटाया जाएगा। यही है कि हमारा पास बंद होना पड़ेगा, और हटा के भी फिर ऐसे काली छोड़ने से फिर आ जाता है, इसलिए हम काम थोड़ा से स्लो में है। और दूसरा है अभी नेक्स्ट जो आप लोग पब्लिक जो सुनना चाहता है और देखना भी चाहता है वो है गवर्नमेंट क्वार्टर का जी इनक्रोचमेंट को लेकर, उसका भी हम लोग ये पाइपलाइन में है, थोड़ा से अभी काम कर रहा है, क्योंकि 500 जैसे ज़्यादा है इनक्रोचमेंट जो है उसको लेके अभी जो इविक्शन करने के लिए। तो ये 2008-09 से केस चलते गया चलते गया, और कभी सरकार का द्वारा रुका जाता है। आपको 2014-15 में कैबिनेट डिसीजन हुआ, वहाँ पे फिर इविक्शन को रुका गया, फिर भी इसी बीच में काफ़ी ऐसे जो केस है जो हाई कोर्ट में केस चला जाता है, वहाँ पे केस अगर हम लोग जीतता है और पिटिशनर जीत जाता है और या गवर्नमेंट जीत जाता है, तो उसका भी इविक्शन हुआ है कैबिनेट डिसीजन जो है मना करने का बावजूद भी। तो अभी उस चीज़ को लेके अभी 2-3 महीना से हमारा जो लीगल ऑफिसर है वो दिन रात लगा हुआ है, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड में है, तो बीच में 3-4 साल फिर गैप हो गया, उसका आगे में 3-4 साल जो है कैबिनेट डिसीजन में का कारण से रुक गया था। तो अभी 6-7 साल थोड़ा से पहल कहाँ में हो गया, किधर हो गया, किसका क्या ऑर्डर हुआ वो ये समझ में नहीं आया, तो उसको हम लोग अभी क्लियर कर रहे हैं। जैसे ही क्लियर होता है तो वो गवर्नमेंट क्वार्टर का जो इविक्शन ड्राइव शुरू होगा। तो दूसरा है कि जब तक हम इविक्शन ड्राइव नहीं जाता है, इसी बीच में हम फ्लाइंग स्क्वाड बना के रखा है। फ्लाइंग स्क्वाड जो है ऑन डेली बेसिस में वो अरेस्ट करता है, उसको केस बनाता है,
बाइंड डाउन करता है और गवर्नमेंट को हम लोग उसको चिट्ठी लिख रहा है कि ऐसे आदमी को जिसको क्वार्टर अलॉटमेंट दिया है, आइदर हिमसेल्फ और हिज और हर रिलेटिव्स आर इन्वॉल्व इन दी इनक्रोचमेंट, डिमोलिशन ऑफ गवर्नमेंट क्वार्टर, पार्शियली डिमोलिशन ऑफ गवर्नमेंट क्वार्टर, तो उन लोगों का ऊपर में आई थिंक इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू कीप देम इन द सेम एरिया, सो द अलॉटमेंट शुड बी कैंसल इमीडिएटली। तो उसको हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को दिया हुआ है, पहले सेक्रेटरी हाउसिंग को कापी लिखा तो उससे कुछ नहीं होता है, तो अभी हम चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट हमारा FIR का कॉपी का साथ में हम भेज रहा है। और दूसरा है हमारा रिक्वेस्ट ये हो रहा है कि उसको CCS कॉन्डक्ट रूल का अंदर में भी एक्शन लिया जाए, तो अभी वो प्रिवेंशन को हम अभी बहुत सीरियसली ले रहे हैं, जहाँ पे लोगों का काफ़ी अभी आज भी दो अरेस्ट हुआ, कल भी दो अरेस्ट हुआ, तो आज हमारा जो लड़का लोग है इविक्शन में बिजी है, तो ये मोर देन 150 आसपास अभी ऑलमोस्ट अरेस्ट हो गया। वो जो है क्वार्टर का मालिक है, लेकिन उनका अंदर में जो लेबर लोग काम किया उसको हमने अरेस्ट किया, उसको बोलने से तो अभी 400-500 आदमी को अभी तक हमने यहाँ में बुलाया, डिटेन किया, देन मालिक को आने दिया, तो केस बनाया, पुलिस थाना में रखा, तो पुलिस थाना से भी आदमी लेके हमारा जो फ्लाइंग स्क्वाड में मेरा स्टाफ लोग है वो अभी ऐसे काम चल रहा है। और अभी आपका इस चैनल का माध्यम से मैं सभी को बोलना चाहूँगा, नाला का अंदर में जो भी लोग बैठा है, नाला का बाहर में जो बैठ रहा है वो बाद में हम देखा जाएगा, लेकिन नाला का अंदर में है। और अभी खास करके आप लोगों ने देखा होगा जो मीट बेचने वाला लोग, अभी बहुत कम रह गया रास्ता में नाला में बैठने वाला, बहुत कम रह गया, सेक्टर सेक्टर में नहीं, हाईवे का तो हमने जैसे ही ऑर्डर दिया बहुत कम हो गया। और जो भी बच रहा है उनको भी मैं यही कहूँगा कि आई हैव इशूड एन ऑर्डर कैंसिलिंग ऑल द परमिट्स इशूड बाई द APMC। APMC का चेयरमैन हम हैं, तो हमने सारा वो APMC का जितना लाइसेंस है हम रद्द कर दिया। कारण ये है कि आप जो है ये जिस जगह में बैठना चाहिए था नहीं बैठ रहा है, और जैसे साफ सुथरा देना चाहिए नहीं दे रहा है, और दूसरा है कि रेट इतना एक्स्ट्रा इतना हाई हो गया, एक सब्जी का मुट्ठी जो है 50 रुपया में आ गया, लोगों को खरीदना ही मुश्किल हो गया। हमने हमारा APMC का मेंबर, सेक्रेटरी मेंबर, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लोगों को भी बहुत बोला कि ये सब चीज़ तरह से ये देखने के लिए, लेकिन ये लोग मानता नहीं है। तो रेट तो हाई है और आपका जो सब्जी है सॉरी मीट है इतना साफ से नहीं बेच रहा है, हाइजीनिक में नहीं बेच रहा है, उसको सलातर हाउस टाइप का अच्छा से बना के वेटरनरी डिपार्टमेंट का डॉक्टर को दिखा के जो प्रोसेस प्रोसीजर जो होता है वो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए अभी टेम्पोरेली हमने उसको सस्पेंड करके रख दिया है। और हमने अपना ऑफिसर लोगों को भी 100% नोटिस दे दिया है, आप क्यों इसको एक्शन नहीं ले रहा है और कुछ प्रॉब्लम है तो हमको बताओ कहाँ पे ये हो रहा है तकलीफ जो है। तो इसको लेके अभी वो भी एक इविक्शन का पार्ट होता है, जहाँ में आप अनऑथोराइज और सड़क पे बेच रहा है और इतना दस्त होता है, इतना गंदा होता है और देखने में इतना अगली होता है, तो सुधरना होगा। तो सुधारने के लिए हमने कुछ अभी टेम्पोररी एक्शन लिया है, आगे दिखता है। गवर्नमेंट क्वार्टर से कुछ मीटर दूर जमीन जो होता है उसको भी नहीं ले पाता, अलॉटमेंट नहीं देता, ऐसा कुछ रूल भी था ऐसा है कुछ मीटर जमीन, ये जो है उन लोगों का इंटरप्रिटेशन में गलती हुआ। तो इंटरप्रिटेशन ये होता है कि आप जैसे कि गवर्नमेंट का जो बाउंड्री है वहाँ से 4 मीटर छोड़ना है, गवर्नमेंट का बाउंड्री से 6 मीटर छोड़ना है, ये तो क्वार्टर से नहीं है। क्वार्टर का डिफिनेशन ये है कि आप
पब्लिक प्रमाइसेस एक्ट में सेक्शन टू में क्लियरली लिखता है कि प्रमाइसेस मतलब क्या है, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ द प्रमाइसेस। प्रमाइसेस इंक्लूड्स द किचन गार्डन, इंक्लूड्स द पोर्च, इंक्लूड्स द ऑल द एरिया इंजॉयड बाय द एलोटी। समझ रहे हैं? अब एक फेंसिंग का अंदर में, उसका अंदर में जो भी एरिया है वो 4 मीटर हो, 10 मीटर हो, 50 मीटर हो, 100 मीटर हो, वो फेंसिंग का जो बाहर में होना है, बाहर से 4 मीटर दूर में बनाना है, ना कि वो घर कोर्टर का सामने। कोर्टर सिर्फ नहीं होता है ना, प्रीमाइसेस का डिफिनेशन, लीगल डिफिनेशन, टेक्निकल डिफिनेशन ये बोलता है कि ऑल द एरिया विद इन दी कंपाउंड, विद इन दी फेंसिंग इंजॉयड बाई दी एलोटी। आपको एक कोर्टर दे दिया, उस कोर्टर का किचन गार्डन 10 मीटर में हो सकता है, सर्विंग क्वार्टर्स जो है 15 मीटर में हो सकता है, और आपका लोन हो सकता है, लोन एरिया होता है, वो सब कोर्टर का डिफिनेशन का अंदर में आता है। लेकिन हमारा यहाँ जो आप जो समझ में आ रहा है वो है कि कोर्टर से 4 मीटर, क्वार्टर से 6 मीटर, हाँ ऐसे, हाँ जो जहाँ से ई बोर्ड होता है वहाँ से पानी नीचे ड्रेन गिरता है, वहाँ से वाल से नहीं तो यहाँ से बात करते, ऐसे नहीं है। डिफिनेशन को नहीं समझ में आया तो इसलिए वो लोग सारा ब्यूरोक्रेट हो, टेक्नोक्रेट हो, सभी लोग इस चीज़ को नहीं समझ में आया, इसलिए गलत कर बैठा है। लेकिन अभी उसको हटा दिया, जब मैं आ गया मैंने बोला कि ये गलत है, इसको नहीं समझ रहा है आदमी लोग, तो इसका फायदा नहीं है, मैंने सभी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। सर नहीं समझ रहे, समझना नहीं चाह रहे लोग, नहीं समझ रहा था उन लोग को, बिल्कुल नहीं समझ रहा था। अभी आप जैसे बोल रहे हैं ना ऐसे ही वो लोग समझ रहा था। लेकिन बात जो है, पर्स हमको जाना होगा प्रमाइसेस में, प्रमाइसेस का डिफिनेशन क्या होता है उसको देखना होगा। प्रमाइसेस मीन्स इंक्लूड्स, क्वार्टर तो है ही है, उसका लोन हो गया, पोर्च हो गया, किचन गार्डन हो गया, सब फेंसिंग का अंदर। वो 10 मीटर में भी हो सकता है, 12 मीटर में भी हो सकता है। आप मेरा अरुणाचल स्टेट गेस्ट हाउस नाहरलगन है, मिनिस्टर बंगलो लोग है, उसका जो है बंगलों से 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, कोई कोई जैसे नाहरलगन स्टेट गेस्ट हाउस 60 मीटर। तो आप ये डिफिनेशन को अपना सोच विचार का मुताबिक से वो अलॉटमेंट देना शुरू कर दिया। तो इसको चल के लास्ट में अभी 2010-12 ऐसे होगा क्या, 11-12-13 होगा, एक ऑर्डर फिर निकाल दिया उसके बाद, नो डिस्टेंस, वो 4 मीटर 5 मीटर वो पूरा क्लोज कर दिया। अभी नो डिस्टेंस, अभी आपका 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है कोर्टर से, वो जो फेंसिंग बनाए ना फेंसिंग का बाहर में 1 मीटर में भी आप ले सकता है, क्योंकि प्रमाइसेस का डिफिनेशन फेंसिंग तक है। प्रमाइसेस डिफिनेशन उस 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन द एरिया अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्वार्टर, दैट इज द फेंसिंग कंपाउंड वॉल, उसका बाद आप ले सकता है। इट मे बी 1 मीटर, 1.5 मीटर, आधा मीटर ऑल्सो। समझ गया? हाँ ये जो गवर्नमेंट क्वार्टर होता है सर, उसको जिसके नाम पे है वो नहीं रह कर दूसरा को रेंट देना है, कितना बड़ा सर? देखो ये तो आप टेक्निकली लीगली गलत है, लेकिन आप कोई भी जगह में जाओ आप ये नहीं बताएगा कि वो रेंट में दिया है। अभी आप मेरा ही क्वार्टर को देखो, मेरा बेटी लोग बैठा हुआ है, हाँ नहीं नहीं एग्जाम्पल मैंने देखा है, रेंट दिया हुआ, हाँ रेंट दिया बोल के अगर उसको ये प्रूव करता है तो डायरेक्टर हाउसिंग को एक चिट्ठी लिखना पड़ेगा कि रेंट दिया बोल के। जो रेंट में बैठा है वही कंप्लेनेंट होगा या वो एक विटनेस होना पड़ेगा, तब तो जाके
ये वो जो अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, इट कैन नॉट बी लीज आउट। आपका जो कंडीशन है आप लीज आउट नहीं कर सकते हैं, आप बेचना है या आपका परिवार का कोई आदमी बेच सकता है, सदस्य जो आपका जो है आपका डिपेंडेंट, जैसे मेरा बेटी लोग है तो इसे करके वो लोग बेच सकता है, लेकिन रेंट में कमर्शियल आप यूज़ नहीं कर सकता है। अगर कमर्शियल यूज़ किया तो आप अभी बोलेगा कि एक्स का कोर्टर में वाई बैठा हुआ है, रेंट में बिताए बोलने से कल वाई बोल सकता है ना कि हम तो नहीं, हम पेमेंट नहीं देता है, हम उसका रिलेटिव है, हम ऐसे बैठा है उनका नाम है, तो आपका केस हार जाएगा। लेकिन आप वो बोलेगा कि नहीं हम रेंट पेमेंट कर रहा है, अगर वो प्रूव कर देता है तब तो कैंसिल करना है। तो ऐसे के लिए इसके लिए अभी हमने अब ये तो बहुत दूर का बात है, ये आपका जो इशू है ना वो तो बहुत दूर का है, लेकिन जो इमीडिएट आपका डेंजरस है तोड़ रहा है ना, तोड़ रहा है, घर बना रहा है, उसको ही एक्शन लेना है। लेने के लिए मैं कितना पिछले 10 साल से रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं ले रहा है। उनको पहले तो हटा हो ना, अब बोलता है इनक्रोच किया, इनक्रोच किया लीज देगा, लेकिन जो इनक्रोच किया उसको तो वहाँ कोर्टर से तो हटा हो ना पहले, ये काम को तो नहीं कर रहा है। लेकिन अभी तो हम जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसको तो हम अभी भेज रहे हैं, अभी 3-4 सप्ताह हो गया, अल्टीमेटली बचाना होगा। सर आपने भी शायद देखा होगा काफ़ी दिनों से आईजी पार्क टेनिस कोर्ट और अरुणाचल ट्राइबल रूरल पंचायत थी सर जी, और उनका कुछ कहना था कि वो जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत वहाँ जाकर धरना करेंगे, तो आपने कुछ आश्वासन दिया था शायद? नहीं है, इन लोगों ने डायरेक्टर ऑफिस में धारणा करेगा बोला, हमने बोला है कि गवर्नमेंट एक डिजिग्नेट प्लेस एक तो बना दिया टेनिस को, वहाँ पे आपको जो भी करना है उधर ही करना है, तो कल को सभी लोग आ जाएगा, कोई एक्स वाई जेड आएगा वो डायरेक्टर स्कूल का उधर चला जाएगा, PWD चीफ इंजीनियर उधर चला जाएगा, सेक्रेटरीट में चला जाएगा, ये सब जो एक ट्रेंड है वो हम एलो नहीं करेगा। तो उन लोगों ने बताया कि डायरेक्टर और ये सेक्रेटरी लोग कमिश्नर लोगों ने हमारा जो मांग है रिप्रेजेंटेशन है इसको डिस्पोज नहीं किया बोला, तो ऐसे ही हम कैजुअली हमने कमिश्नर सेक्रेटरी से बात किया, सर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका वहाँ में धारणा बैठेगा बोला, हम डिनाई कर दिए और इसको कुछ ऐसे केस को आप देख के डिस्पोज कर देने से तो शायद ये लोग ये काम नहीं करेगा। तब तो सेक्रेटरी ने बोला है कि होगा आज नहीं तो कल तक जैसे भी हो वो डिस्पोज करेगा। डिस्पोज का मीनिंग को लेके काफ़ी 2-3 घंटा हम लोग यह बात करके बताएं। डिस्पोज का मीनिंग ये होता है कि आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको यस या नो, यस भी हो सकता है नो भी हो सकता है, देनी डिस्पोज है, अदा यस वो भी डिस्पोज सकता है, अदा नो वो भी डिस्पोज हो सकता है, ये तो आपका वो रिप्रेजेंटेशन को ऊपर में ही डिपेंड करेगा और वो डिपार्टमेंट जो है उसमें एग्जामिन करके आपको रिप्लाई देगा, देट इज़ ए डिस्पोज। तो उन लोग का मांग जो है हम बोला है कि देखो एक पार्टी जो था जो फुट मार्च किया वो लोग भी कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कभी कभी कोई लोग बोलता है देखो एक चीफ मिनिस्टर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने का जो बात होता है वो तो हम लोग का बस का बात नहीं होता है ना, और कोई कोई लोग हमको कंपेयर भी करता है सोल दुदुम का केस को, सोल दुदुम केस को तो हम इसलिए वहाँ इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग एक डिपार्टमेंट का है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बात था, एक पानी का बात था, वो सब चीज़ तो हम लोग थोड़ा सरकार को भी हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो मुद्दा जो है एक डिप्टी CM को इशू लेके कर रहा है, CM को इशू लेके, तो DC का रोल इतना नहीं होता है, हमारा रोल जो होता है लॉ एंड ऑर्डर को होता है। अभी भी इन लोगों को बोल रहे हैं कि हम वो
डायरेक्टर ऑफिस में आपको हम जाने नहीं देगा, हम लिख के भी दे दिया, राइटिंग में दे दिया, योर रिक्वेस्ट हैज बीन डिनाइड, तो जो भी करना है आपको उधर में करिए, और वहाँ में भी लॉ एंड ऑर्डर जब होगा तब हम लोग इन्वॉल्व होगा, जब तक इन्वॉल्व नहीं होता है उन लोगों ने हंगर स्ट्राइक का इंटीमेशन दिया, तो देन एंड देयर मैंने मेडिकल टीम बना दिया, तो मैं मुझे कोई एक उन लोगों का पार्टी वीडियो बना के दिया कि तालोपुत्रम टायर को लात मारता है, ये प्रॉब्लम को क्यों नहीं देखता है, लेकिन वो टायर जो है ऐसे है कि ना, ये हमारा जो पार्क अभी ईटानगर में मेरा लिए क्या इश्यूज़ है, एक है कि पार्किंग का इशू है, दूसरा है गार्बेज का इशू है, तीसरा है इंक्रोचमेंट, मैंने जो बहुत ही जल्दी एड्रेस करना चाहिए, तो इसलिए पार्किंग को लेके हमने 1.5 करोड़ सरकार को रिक्वेस्ट किया, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ने जो है वो 1.5 करोड़ दे दिया, उसका पार्किंग आपने देखा होगा बैंक तिनियाली में बना दिया, तो उसी में जो टायर बनाने वाला नीचे में बैठने वाला वो भी यहाँ पूरा चंदन नगर में भी कल भी हमने उसी चीज़ को भी बोला, आप लोग टायर जो बनाना है नीचे में ना करो, जो पार्किंग है वो पार्किंग का प्रॉब्लम है, आप क्यों ऐसे करता है, तो मैंने इसलिए वो टायर को एक किक मारा, वो तो इशू जो है हम अपना एरिया का मुताबिक से सीरियस इशू लेता है, लेकिन वो तो बहुत धमकी दे रहा था, मैंने उसी को भी बोला था उस आदमी को थोड़ा पकड़ के लेके आओ, थोड़ा बातचीत करेगा, तो आज तक नहीं लाया, मैं भी रात को गया था उधर भी, परसों रात था क्या, हाँ परसों रात हम गया बातचीत किया, तो उसको मिला नहीं होगा वो आदमी जो है धमकी देने वाला, तो ऐसा नहीं होता है, तो ये इश्यूज जो है हमारा हमारा ज्यूरिडिक्शन का बात नहीं है, इसलिए इन लोग कल भी आया, इवन वो जो दिल्ली पार्टी को भी मैंने ऑफिस में यहाँ बैठाया, 3 घंटा बिताया, चाय पिलाया, हाँ हम बात किया उन लोगों को, लेकिन हमारा जो हमसे जो हो सकता है हम उन लोग को सुनने के लिए कोशिश किया, क्योंकि हम भी डीसी का अलावा हम भी तो अभी जैसे आप लोग है रिपोर्टर है और प्रेस में काम करता है वो एक पार्ट है, लेकिन अभी तो अरुणाचल का आदमी है ना, और वो लोग तो बोलते हैं अरुणाचल के लिए वो लोग लड़ रहा है, तो हमको भी जानना ज़रूरी है, तो अगर आप मेरे लिए लड़ रहे तो आपका क्या एग्जैक्टली कंप्लेन है और कैसे वो हमको मदद मिलने जा रहा है, हम भी जानने का दिल होता है ना, तो मैंने उसको भी बहुत कोशिश किया समझने के लिए जानने के लिए, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर को उसका रिजिग्नेशन मांगना वो तो हम लोग का बस का बात नहीं है, और अभी डिप्टी सीएम को भी ये उन्नीस है, लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेशन है जहाँ में कुछ तथ्य है एलिमेंट है उसको तो ये एड्रेस करेगा गवर्नमेंट, तो क्यों नहीं करेगा, येस और नो, तो इसलिए मैंने कल अपना वो सीनियर आई एस ऑफिसर सेक्रेटरी सर से उन लोग का सामने में हम कॉल किया, सर ऐसे ऐसे धारणा पार्टी का उन लोग का रिप्रेजेंटेशन को अभी तक एड्रेस नहीं किया है ऐसे बोला है, तो वो लोग काम को दिया था कागज़ वहाँ देखा है, तो चीफ सेक्रेटरी ने पंचायत सेक्रेटरी को मार्किंग किया हुआ है, तो मैं सर ऐसे ऐसे मार्किंग है इतना दिन से बोला, तो सर बोला है कि हम तो उसको आज ना आज देख देगा, नहीं होने से कल तक कर देगा बोला, तो मैंने उस हिसाब से इन लोगों को भी बोला है कि देखो आप लोग भी फॉलो करना चाहिए ना, कागज़ को आप फॉलो नहीं करेगा आप कैसे आपका रिजल्ट होगा, पहल तो कहीं ना कहीं होगा, हम दिखा दिया देखो आप सीएस को दिया सीएस उधर मार्क किया, फिर वहाँ से कहा गया आपको तो वो फॉलो करना है, आप एक पेपर दे देगा और धारणा में भेज जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना, आपको अगर उसमें रुचि है इंटरेस्ट है तो फॉलो करना चाहिए, तो कल वो उन लोग बोला है कि इतना दिन नहीं किया फिर आज क्यों ऐसे बोल रहा है, ऐसे नहीं होता है, हम लोग का लाइफ जो है हमारे हिसाब से मैं पर्सनल जैसे बात कर रहा हूँ ये सब चीज़ को, क्योंकि मेरा ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं है, मेरा सिर्फ है कि आप धरना बीतेगा वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना है, और आप कुछ भूख हड़ताल करेगा तो मैं मेडिकल टीम देना है, क्योंकि भूख हड़ताल जो है वो तो इलीगल है आप वो नहीं कर सकता है, तो इसको तो हम परमिशन कैसे देगा, नहीं दे सकता है, तो ऐसे है, तो अपना कैपेसिटी में जो होता है
पर्सनल कैपेसिटी में क्या हो सकता है, इसलिए पर्सनल कैपेसिटी में कॉल कर दिया कल सर, सेक्रेटरी सर को, डीसी हिसाब से नहीं, वो तो हमारा से बहुत सीनियर है ना, हम क्या कर सकते हैं उसको। तो आपने सोशल मीडिया में एक इशू जो आपने जो वो ये नाम क्या था, एक औरत है ना जिसको लेजेंडरी आंटी के नाम से जाना जाता है ना, तो रिसेंटली वी आर सीइंग कि उसको आपने जो आपने जॉब पे अपॉइंट किया उसे सस्पेंड कर दिया ना, तो वो बहुत सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में, तो आप उसको आपके मुंह से पब्लिक को बता दीजिए कौन सा ग्राउंड में सस्पेंड किया है। देखिए जी, हमारा ईटानगर में बहुत से एरिया है काम करने का, और हम चाहते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट में और लोगों का खुशी के लिए ना हमें काम जहाँ सकेगा हम लोग करने के लिए कोशिश करता है। ये अभी अभी जस्ट अभी भी हमने ऑर्डर अभी निकाल दिया, ये ऑर्डर जो है अभी रात 10 बजे से लेके 3 बजे तक हमारा मजिस्ट्रेट को मैं लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा है, ये तो बहुत दिनों का पेंडिंग होके बैठा है। अब देखेगा रात 12-1 बजे में कोई कोई सेक्टर, कॉलोनी और पार्क में लड़का लड़की लोग, आदमी लोग सब ड्रग्स लेता है और दारू पी के बहुत न्यूसेंस करता है। तो आज मैंने ऑर्डर इशू कर दिया, एवरी 10 बजे से लेके 3 बजे तक हमारा मजिस्ट्रेट पुलिस पेट्रोलिंग के लिए। तो बहुत दिन से शिकायत था, और ऐसे करके अभी जैसे IG पार्क है, मैं भी उस दिन परसों जब उधर पार्क में गया था उधर भी देखा है, तो 10-11 बजे तक वहाँ में भी बच्चा लोग जाता है। मैं बोला इतना अंधेरा है, अभी वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाता है, लेकिन वहाँ में भी काफ़ी हम लोगों ने पहले 3 महीना तक हमारा पुलिस नहीं, नॉन पुलिस आदमी लोग को हम डिप्लॉय करता है। तो ये जो चीज़ आप जो पूछ रहे हैं, ये महात्मा गांधी पार्क है। एक समय में महात्मा गांधी पार्क जो है, अभी जो आपका पार्किंग लॉट्स है पिंक टी नली में, यह हमें था, आप लोग चौथा समय में शायद देखा होगा महात्मा गांधी का पार्क। तो ये पार्किंग लॉट्स बनाने का समय उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। तो उस समय तो मुझे पता नहीं है, अभी जब डीसी जब हम यह होके आया तो बीच में हमने वहाँ में कुछ प्रोग्राम भी किया था ड्रग्स के ऊपर में, और ड्रग्स का अवेयरनेस प्रोग्राम भी उधर किया था। तो उसमें मैं काफ़ी रिनोवेट भी कर दिया था, अभी भी मेरा कुछ बाकी भी होगा दुकान वगैरह में। तो उस समय में मेरा जो इम्प्रेशन ये था कि ये इसको म्यूनिसिपल देखता है, तो हमेशा शिकायत आता है आपको भी। अभी तो हम वॉलंटियर मेरा स्टाफ रख दिया, नाइट ड्यूटी लगा दिया आपको शाम का 2-3 बजे से लेकर रात का 8 बजे तक, और हमने उधर साइन बोर्ड भी लगा दिया और वहाँ में चाबी ताला भी लगा दिया। तो ये जो लेडीज जो है वो आया, बोला है कि वहाँ पे वो बगल में रहता है पूरा लड़का लड़की लोग सब लोग रात को पूरा गंदा करता है, ये करता है, तो उनको ड्यूटी लगाओ, यही हमको बोला था। तो हम बोला है कि आपको ड्यूटी हम लगा देगा, हम बोला है कि आपको 6,000 महीना में देगा, अब करना है। तो हमने बहुत बार उनको ऑलरेडी इनकाउंटर कर चुका है कोविड का समय से, तो सरकार का अगेंस्ट में बात करते रहता है। हम बोला है देखो, अगर आपको काम लगाता है, आप सरकार का खिलाफ बात नहीं करना है, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार आने से भी सरकार का काम करता है तो सरकार के अगेंस्ट में बात नहीं करना है। तो सरकार का अंदर काम नहीं करता है, आप जो चीज़ फंडामेंटल राइट्स होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, वो आप इंजॉय कर सकता है, लेकिन जो सरकारी का पैसा 10,000 जो भी मिलता है, तो आप तो उनको मैंने ऐसे समझा के होगा ठीक है, एक बार आप काम करके देखो बोल के लगाया। तो उसका बाद मुझे वो म्यूनिसिपल मेयर से भी क्लियरेंस मिल गया था
उनका थ्रू एक चिट्ठी क्लियरेंस भी दे दिया, तो हम टेक ओवर कर लिया उसको, पार्क को, एडमिनिस्ट्रेशन जो है। तो टेक ओवर करने के बाद उसको लगाया, फिर मैंने अभी अनदर दो और आदमी को उधर में लगा दिया है। तो अभी बीच में मुझे किसी ने उसका वीडियो शेयर किया, एक नंबर है कि वो स्टेशन छोड़ना नहीं चाहिए, वो चला गया असम पे। असम में जाके फिर हमको जो वीडियो शेयर किया उसमें देखा गया कि गाली पे गाली, गाली पे गाली, और वो तो कैसे हो सकता है। तो हम उसको बुलाया, बुला के बात किया, देखो आप ऐसे नहीं कर सकता है, कुछ लिमिटेशंस होता है, वो ये हो गया इसलिए। तो वो बोला है थोड़ा गलती हो गया, बोला ये तो गलती का बात नहीं है ना, ये तो आप तो वहाँ तक चला गया, तो इसलिए हमने उसको अभी छोड़ दिया है।